तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस, आज मैं माइनक्राफ्ट में बनाने वाला हूँ आयरन गोलम फार्म। जी हाँ दोस्तों, अभी तक किसी को ये बनाना नहीं आता। मतलब क्या, मुझे भी नहीं आता। ए यार, मुझे तो बनाना आता है गाइस, लेकिन किसी को भाई बनाना नहीं आता। तो गाइस, आज की वाली वीडियो देख के जाओ, तुम्हारा आयरन फार्म बन के ही जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कोबल स्लैब, हॉपर, चेस्ट, फेंसिंग टेबल, बेड, वाटर, लावा, साइंग बोर्ड, कोबल स्टोन और ग्रास लीव। तो गाइस, फिर इसके बाद फिर आपको खाली जगह ढूंढनी है, फिर आपको ग्रास ब्लॉक से ग्रास लीव से आपको बॉर्डरिंग करनी है 9x10 की। फिर आपको इसको पूरा स्क्वायर में लेके आना है। बॉर्डर पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एक साइड पे 3 ब्लॉक डिग करना है, फिर आपको सारा खाली कर देना है हर जगह से। तो गाइस, खुदाई होने के बाद फिर आपको साइड में आ जाना है। तो जहाँ पे ग्रास लीफ लगे है, 3-3 ग्रास लीफ हटा देनी है, फिर उनकी जगह भाई स्लैब लगा देना है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। कंप्लीट होने के बाद पूरा सेटअप ऐसा लगेगा। तो गाइस, फिर आपको इसके बाद नीचे आना है, फिर आपको एक ब्लॉक छोड़ के डिग करना है। कंप्लीट होने के बाद पूरा सेटअप ऐसे लगेगा। तो गाइस, फिर आपको नीचे आना है, फिर आपको इस तरह से आपको 6 ब्लॉक डिग करना है, फिर आपको हर जगह से खाली कर देना है सेम। तो गाइस, कंप्लीट होने के बाद पूरा सेटअप ऐसे लगेगा, सेम आपको ऐसे ही करना है। तो गाइस, फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक लगाने हैं, लेकिन आपको एक लाइन छोड़ देनी है ब्लॉक की। तो गाइस, यहाँ पे एक ब्लॉक का ज्यादा हो गया है डेक, तो यहाँ से भर देता हूँ। तो गाइस, फिर आपको नीचे आना है, फिर आपको दोनों तरफ बेड लगा देना है, फिर आपको ब्लॉक के नीचे आपको डेक करना है, फिर आपको नीचे भी बेड लगा देना है दोनों तरफ, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो गाइस, कंप्लीट होने के बाद ये लाइन बची है लंबी सी, तो इसमें हमें स्लैब लगाना है, तो हम 3-3 स्लैब लगा देंगे। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको बीच में ब्लॉक्स लगाना है, फिर आपको चारों तरफ एक एक ब्लॉक्स लगाने हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। तो गाइस, जहाँ पे खाली जगह रहेगी वहाँ पे आपको फेंसिंग टेबल लगानी है। इसके बाद फिर आपको टॉर्च लगानी है बीच में। तो फाइनली आपको यहाँ पे विलेजर स्पॉन करने हैं। तो गाइस, मैं क्रिएटिव में हूँ, तो आप सर्वाइविंग में होंगे, तो जैसे कि आप रेल से भी ला सकते हो इसको, विलेजर को। विलेजर स्पॉन करने के बाद फिर आपको ऊपर से कवर कर देना है, ताकि विलेजर बाहर ना निकले। कवर करने के बाद फिर आपको ऐसा कुछ सेटअप बनाना है, फिर देख सकते हो गाइस, ऐसा सेटअप आपको बना देना है। फिर आपको ऊपर से भाई पानी डाल देना है। तो गाइस, पानी डालते हुए आपको ध्यान देना है कि आपको एक ब्लॉक में बस पानी नहीं आना चाहिए और सब में आना चाहिए। अभी 2-3 ब्लॉक में अभी पानी नहीं आया, तो यहाँ पे मैं बीच में पानी डाल देता हूँ। तो एक ब्लॉक रह गया है, तो हमारा सेटअप पूरा कम्प्लीट हो गया है। तो गाइस, जहाँ पे पानी नहीं आया वहीं पे आपको यहाँ पे डिक करना है 2 ब्लॉक का। तो इस जगह हम चेस्ट और हॉपर लगाएंगे। और गाइस, अभी से ही आयरन गोलम आने भी लग गए, तो ये वर्क कर रहा है भाई। तो यहाँ पे हम भाई चेस्ट लगा देते हैं और यहाँ पर ही हॉपर लगा देते हैं। और राइट गाइस, हमारा आधे से भी ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पे भाई साइड में लावा लगा देना है। तो गाइस, लावा लगाने से पहले आपको पहले चेस्ट जहाँ पे रखी है वहाँ पे पहले डिक करना है, और यहीं पर ही आपको साइड में स्लैब लगा देना है। तो गाइस, फिर इसके बाद आपको साइन बोर्ड लगाने हैं, तो इस तरह से आप लगा देना, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, लाइक दिस। इसके बाद फिर आपको लावा लगा देना है। लावा लगाने के बाद देख सकते हो गाइस, हमारा आयरन गोलम मर रहा है, और भाई पूरा सेटअप हमारा ऐसे लगेगा, देख सकते हो गाइस। और फिर देखते हैं भाई हमारे पास चेस्ट में आयरन आया है या नहीं आया, तो देखने चलते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने भाई स्टेयर्स भी लगा दी हैं, तो आप भी लगा सकते हो। तो गाइस, आ चुका है हमारे पास आयरन, तो भाई ये पूरा सेटअप हमारा काम कर रहा है। तो गाइस, फाइनली हमारा आयरन गोलम बन चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड भाई आज मैं लाइक एम भी रख रहा हूँ, तो भाई 20 लाइक करवा देना भाई प्लीज। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, हम इसकी नेक्स्ट या अगली वीडियो में मिलते हैं, तो जब तक के लिए गुड बाय।